क्या आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं? बाल टूटते बिखरते रहते हैं और जितना कोशिश करने पर भी आपके बाल लंबे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें चैनल से बने रहने के लिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देर किस बात की, आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए आज हम एक हेयर मास्क तैयार करेंगे, और इस हेयर मास्क को तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा भृंगराज पाउडर। इसका मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा ले सकते हैं। भृंगराज, जिसे हम इंग्लिश में फॉल्स डेजी के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल कई तरह के आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता है, जैसे कि लिवर डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीजेस और कई तरह के हेयर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स में भी यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हिबिस्कस पाउडर, इसे हम हिंदी में गुड़हल भी कहते हैं। इस पाउडर का आपको 2 से 3 चम्मच लेना है, वही अपने हेयर लेंथ के हिसाब से। इन दोनों पाउडर्स का जो रेशियो है वो लगभग 50-50 है। गुड़हल का इस्तेमाल बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। डैंड्रफ, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर और स्प्लिट एंड्स, इन सारे प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट करता है। साथ ही ये झड़ते हुए बालों की रोकथाम करता है और नए हेयर फॉलिकल्स बनाने में मदद करता है। हमारा तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल लेना कितना है? वेल, इन दोनों पाउडर्स, भृंगराज और हिबिस्कस पाउडर, दोनों को कंबाइन करने के लिए अच्छे तरीके से जितना जेल लगेगा आप उतना ही ले। जब आप अपने बालों में हेना लगाते हैं, जिस तरीके का स्मूथ टेक्सचर रहता है, ठीक वैसा ही आपको एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म करना है, स्मूथ सा पेस्ट बनाना है आपको। तो ये रहा अमेजिंग हेयर मास्क फॉर हेयर ग्रोथ। अमेजिंग इसलिए क्योंकि ये दिखता जरूर है हेना हेयर पैक की तरह, बट अगर आप कलर फैक्टर को, इसके जो नेचुरल डाई है हेना की, अगर उसको अगर छोड़ दे तो उसके कंपैरिजन इस हेयर पैक में कई सारे फायदे हैं। इस हेयर मास्क के रेगुलर यूज करने से आपके हेयर रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट एंड्स, डैंड्रफ, बालों का झड़ना, प्रीमैच्योर ग्रे होना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके स्लो हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और साथ ही बालों को नरिश करता है और हेल्दी बनाता है। इस हेयर मास्क को लगाना काफी आसान है, जिस तरीके से आप कोई भी दूसरा हेयर पैक या फिर हेना हेयर पैक्स यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से पहले आप अपने बालों को सुलझाएंगे और फिर पार्टीशंस करते हुए एक साइड से दूसरे साइड लगाना शुरू करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप अपने हाथों या फिर ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 1 घंटा रखेंगे, उसके बाद वॉश ऑफ कर लेंगे प्लेन वाटर से। बेहतर रिजल्ट्स के लिए कोशिश करें कि आप हर हफ्ते इसे एक बार यूज करें। 1 महीने के अंदर ही आपको बेहतर रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया है। अगर आया है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल से बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।